प्रिय मित्रों, माय पेरेंट्स, पिछले समय क्लास 11 सीबीएसई मैथ्स यूनिट 1 सेक्शन 1 मार्क्स 29 लेक्चर नंबर 20 देखा था। आज हम लेक्चर नंबर 21 देखेंगे। पिछले समय हमने डी मार्गन नियम्स के बारे में बताया था, डी मार्गन लॉ। डी मार्गन के दोनों लॉ हम आपको बता चुके हैं। आज हम कुछ उदाहरण द्वारा इन कार्य को समझेंगे तथा जॉइंट और डिसजॉइंट सेट को समझेंगे। तो आज की परिभाषा है आपकी जॉइंट, जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट्स। तो इसकी परिभाषा में लिखने वाले हैं, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एनी टू सेट्स। इफ ए एलिमेंट डज not belongs to A and X does not belongs to B, then and B are disjoint sets. Otherwise, A and B are joint set. It implies A intersection B is equal to phi, then A and B are disjoint sets. यदि ए और बी का हिंदी में कहे, माना ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एक अवयव एक्स ए में है, ना एक्स में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, देन एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अदरवाइज, यदि एक्स ए में भी अवयव नहीं है और वह अवयव बी में भी नहीं है, तब ए और बी को हम असंयुक्त डिजाइन को क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अन्यथा ए और बी को हम संयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, देन एंड बी आर डिजाइन सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, then A and B are joint set.
यदि ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं है तब ए और बी जॉइंट हो जाएंगे। हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देना चाहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ए देखें और इसमें देखें वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है। कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर। और बी में है आपके टू है, फोर है, सिक्स है, एट है। ये है इवन नंबर्स। एक तीन पाँच सात विषम संख्या है, दो चार छः आठ सम संख्या है। तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एक भी अवयव कॉमन नहीं है, मतलब डैश रिक्त है। रिक्त मतलब फा है, फा को बोलते एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चे, नल सेट शून्य समुच्चे। अब इसका मान लीजिए हम मेन आरेख बनाना चाहते हैं, तो देखिए यह ए है, यह बी है, ए में है वन, थ्री, फाइव, सेवन, इसमें टू, फोर, सिक्स, एट। तो यहां पर कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे डिजॉइंट। डिस जॉइंट अ संयुक्त, असंयुक्त। अब उदाहरण नंबर हम दूसरा लेना चाहें, देखिए इधर हम एग्जाम्पल नंबर दो लेना चाहते हैं। इस तरफ हमने जॉइंट का लिया है, इस तरफ हम डिजॉइंट का ले रहे हैं कि ए बराबर है, मान लीजिए वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सेवन है, नाइन है। और बी में है टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है। तो आप देखेंगे इनमें ए इंटरसेक्शन बी अगर लेंगे तो देयर आर टू कॉमन मेंबर टू एंड फोर, बोथ आर कॉमन मेंबर। तो यह ए आपका इंटरसेक्शन बी जो प्राप्त हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी जो आपको सेट प्राप्त हुआ है, वह क्या हुआ है? आपका दो और चार कॉमन एलिमेंट। अब इसका चित्र हम बनाना चाहें, देखिए इसके चित्र को आप ध्यान से देखिए। यह मैंने ए बनाया है, यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देना चाहता हूँ और वो एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है। अब यहाँ पर आप एक दूसरे कलर का चित्र को आप देख रहे हैं, ये देखिए ये।
ये आपका ए था और यह बी है। देखो दो और चार तो दोनों में सम्मिलित हो गए, तो अब बचा हुआ भाग में सिक्स है, एट है और टेन है। तो आपने कौन सा भाग इसमें देखा कॉमन? इसमें आपने देखा कि ये दोनों भाग, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, जॉइंट हो गया है। क्या हो गया है, देखिए जॉइंट हो गया है। थोड़ी हम इसमें ऐसी लाइन खींच देते हैं, अंक कटे नहीं, ध्यान रखे जाए, तो ये आपका पोर्शन जॉइंट सेट का है। ये जॉइंट सेट्स मतलब संयुक्त समुच्चय। तो ए और बी कैसे हुए हैं, संयुक्त, और यहां ए और बी क्या हुए, असंयुक्त। ये संयुक्त, ये असंयुक्त। डिसजॉइंट, देखिए कहीं भी टचिंग नहीं है, जबकि यहां क्या हो गया, टच हो गया, तो ये जॉइंट सेट हो गया। अब कुछ उदाहरण हम डी मार्गन का लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल हम ये वन था, ये टू है, ये थ्री लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीन, एग्जाम्पल नंबर तीन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट ए बराबर ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर सिक्स। बी में ले लेते हैं, और बी में क्या ले लेते हैं आपका, देखिए हमने ले लिया टू है, सिक्स है, फाइव सिक्स सेवन है, एट है, टेन है, और यू लिया है, एंड यू सार्वत्रिक समुच्चय ले रहे हैं हम, वन भी ले रहे हैं, टू भी ले रहे हैं, थ्री भी ले रहे हैं, फोर भी ले रहे हैं, फाइव भी ले रहे हैं, सिक्स भी ले रहे हैं, सेवन ले रहे हैं, एट ले रहे हैं, नाइन है, टेन है। ये कौन है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो आप यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपने लिया है। अब हम कुछ मान निकालना चाहते हैं, तो आप एडेस निकालना चाहते हैं। देखिए एडेस, तो एडेस बराबर क्या होगा, यू माइनस ए, क्या होगा, यू माइनस ए। तो यू में से ए के अवयव घटा देंगे, तो यू में से ए के अवयव घटा देंगे तो क्या घटेगा, एक को एक चला गया, टू फोर चला गया, फाइव बच गया है, सेवन बचा है, एट बचा है, नाइन बचा है और टेन बचा है। ये कौन हो गया, एडेस। चलिए बी डेस निकालते हैं, तो बी डेस में क्या बचा है, टू फोर सिक्स और एट टेन कॉमन चले गए। देखिए टू, ये फोर, ये सिक्स, ये एट और ये टेन, तो यहाँ क्या बचा, वन बचा, थ्री भी, फोर भी,
फाइव भी, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन। तो यहां पर आपने लिखा वन थ्री फोर फाइव और टेन, नाइन अवयव आया है। अब हम यहां पर एडेस इंटरसेक्शन बी डेज करते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में आपका कॉमन है एक फाइव और दूसरा नाइन। देखिए वन और नाइन, फाइव और नाइन, फाइव और नाइन, तो फाइव और नाइन। इसे लॉक पे बंद कर दिया। अब हम ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं। यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? वन बी होगा, टू बी होगा, थ्री बी होगा, फोर बी होगा, सिक्स बी होगा, सेवन भी होगा, एट भी होगा और टेन भी होगा। अब हम ए यूनियन बी का डेज करना चाहते हैं। ए यूनियन बी का डेज देखिएगा, ए यूनियन बी का होल डेज, तो मतलब यू में से आपको घटाना है ए यूनियन बी। क्या घटाना है? ए यूनियन बी। तो आप यू में से देखिए वन गया, टू गया, थ्री गया, फोर गया, तो आपका एक तो फाइव बचा है और एक बचा है नाइन। आप इसे लॉक कर दीजिए। इसे क दे दीजिए, इसे ख दे दीजिए। अब देखिए क के लेफ्ट हैंड में कौन आया है? फाइव नाइन, और ख में भी क्या आया? फाइव नाइन। तो जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर होना चाहिए कि नहीं? तो आपको ये होना चाहिए। तो ए ए यूनियन ए यूनियन बी कार्डेस बराबर क्या हो गया? ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। देखिए यह आपका नियम आ गया। कौन सा नियम कहलाता है यह? आपका डी मार्गन ला। तो डी मार्गन ला कहलाता है, डी मार्गन ला। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने में सहयोग दीजिए। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 का CBSE मैथ्स सेट थ्योरी, जो कि शिक्षक सदैव कक्षा 11 में, चाहे वह CBSE का हो चाहे MP बोर्ड का विद्यार्थी हो, शिक्षक हमेशा तथा छात्र हमेशा इग्नोर करते रहे हैं, अर्थात इसे छोड़ देते हैं, जबकि यह बहुत सरल है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो शिक्षक हो उसे मेरा निवेदन है कि इसे अवश्य पढ़ाया जाए, क्योंकि बड़ी कक्षाएं आपकी जो है IIT लेवल की, BSc लेवल की,
एमएससी लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में यह बहुत ही आवश्यक है। इसलिए शिक्षक महोदयों से निवेदन है कि इसे जरूर अपने छात्र को बताना चाहिए। धन्यवाद।